मथुरा रोड स्थित जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी सीमा उपाध्याय ने जीत का परचम लहराया। हाथरस में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक वोटिंग की गई, जिसमें 24 सदस्यों ने वोट डाले। वोटिंग से पूर्व दोनों पार्टियां अपने अपने सदस्यों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी सदस्यों को उनके पहचान पत्र देखने के बाद प्रवेश दिया गया। दोनों खेमों के सदस्यों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। लगभग 3 बजे के उपरांत वोटों की गिनती शुरू की गई। इस चुनाव में कुल 24 सदस्यों ने वोट डाले, जिसमें रालोद सपा प्रत्याशी शशि चौधरी को 11 वोट व भाजपा समर्थित प्रत्याशी सीमा उपाध्याय को 13 वोट मिले। 2 वोटों की अंतराल से सीमा ने रालोद सपा प्रत्याशी शशि चौधरी को हराकर जीत का परचम लहराया। भारतीय जनता पार्टी मान्य सीमा बद्दल मान्य सीमा बद्दल जिंदाबाद। हुई है आपकी जिला पंचायत में कितने वोटों से हुई है? 2 वोटों से हुई है। क्या कहना चाहेंगे आज की? आज की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, और जैसे पूरे प्रदेश में अच्छे परिणामों की सूचना आ रही है, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती सीमा उपाध्याय को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर बनी है सर, और जो कुछ है परिणाम अच्छा है। ये हमारे प्रदेश के इस ज़िले के समस्त नागरिकों की जीत है। जनता का जो हमें अपार स्नेह मिला, प्यार मिला, ये उसी के कारण हमारी जीत संभव हो पाई है। कितने वोट प्राप्त हुए? जानकारी के अनुसार 16 बताया जा रहा था कि लगभग 16 वोटों का चल रहा है, कुछ लोगों ने डाले। देखिए ये कहां से आप लोगों को आंकड़ा मिलता है ये मैं नहीं कह सकता। कौन कहां से आंकड़ा लाता है, ये किस प्रकार का है। हमारी जीत हुई है, और जीत का सदैव अर्थ जीत ही होता है।